आप सभी लोगों का टी एन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर दोस्तों आज अपन प्रीवियस क्लास बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपने क्लास अटेंड की होगी आई होप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ये क्लास जरूर से ज़रूर वॉच करनी चाहिए इस क्लास से संबंधित जितने भी एम आपके प्रीवियस और आने वाले समय में जो क्वेश्चन आ सकते हैं जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एक एग्जाम एक में आपको देखने को मिलते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस क्लास में आपको सोल्व करवाने वाले हैं और यदि आप चैनल पे यदि नए हैं दोस्तों तो आपको टी एन नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को प्रेस करना है जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा आपको इस चैनल पे ओनली ओनली एम्स की फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो बी श्योर आपका सिलेक्शन जरूर होगा आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें बात करते हैं बायोमेडिकल मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बायोमेडिकल मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं इस क्लास में कवर कराने की कोशिश की जाएगी पूरे इसी क्लास से आपके एग्जाम में सोल्व होंगे तो बात करते हैं स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नेजोगेस्टिक ट्यूब डिस्कार्डेड इन विच कलर कोड बिन कौन से कलर कोड के बिन के अंदर हम नेजोगेस्टिक ट्यूब को पुट करते हैं डिस्कार्ड करते हैं तो ये नोट सेट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर के अंदर तो कि नेज़ोगेस्टिक ट्यूब को कौन से ए, कलर कोड के अंदर आप डिस्कार्ड करोगे दोस्तों नेजोगेस्टिक ट्यूब इंसर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इसको अपने कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए जाते हो तो इसको ज़रूर पढ़ के जाया करो इससे एक दो क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछता है एग्जामिनर आपसे तो पहला ऑप्शन है येल्लो सेकेंड वन इज रेड एंड थर्ड वन इज ब्लू एंड फोर्थ वन इज वाइट तो कौन से कलर कोड के बिन के अंदर आपके डिस्कार डिस्कार्ड करने वाले हैं तो पहला है येलो सेकेंड है रेड थर्ड है ब्लू बी एल कर लेना इसको बी एल यू ई ब्लू ठीक है बी एल यू ई ब्लू और वाइट क्लियर है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यस राइट आंसर है इसका बी रेड रेड कलर के कोड के बिन के अंदर हम क्या करते हैं नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब को डिस्कार्ड करते हैं कोई भी प्लास्टिक की चीजें हो ट्यूब जैसी उन उन सभी को ग्लव्स हो गए आपके आपका मास्क हो गया इनको किस में हम डिस्कार्ड करते हैं मास्क कौन सा मास्क दोस्तों ट्रिपल लेयर मास्क की बात नहीं कर रहा मैं ऑक्सीजन मास्क किसको ऑक्सीजन मास्क आपका ग्लव्स ये सब किस के अंदर जाएंगे आपके रेड के अंदर जाएंगे क्लियर है आगे बात करते हैं वाट परपोर्शन ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट इज़ हेजार्डियस कि हमारे जो हेल्थ केयर के अंदर जो वेस्ट है उसमें कितना परसेंट हेजार्डियस वेस्ट है मतलब ऐसा कितना 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 परसेंट है जो नुकसान पहुंचा सकता है ठीक है हेजार्डियस ह्यूमंस के लिए एनिमल्स के लिए जो क्या है हेजार्डियस है फिफ्टीन परसेंट फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड है ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्ड वन इज़ फिफ्टी परसेंट फोर्थ वन इज़ एटी फाइव परसेंट यस राइट आंसर है यदि आपने प्रीवियस क्लास अटेंड की है तो श्योरली आपका राइट right आंसर जाएगा फिफ्टीन परसेंट इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड ड्रग आर डिस्पोज बाई कि जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं जो सेल को नुकसान पहुंचा सकती है इसलिए साइटोटॉक्सिक कहा गया साइटोटॉक्सिक कौन सी हो सकती है कीमोथेरेपी वाली ड्रग साइटोटोक्सिक्स होती हैं एक्सपायर्ड ड्रग्स किस में किस तरह से डिस्पोज करना है उनको डंपिंग मेथड के द्वारा ऑटोक्लेव इंसिनरेशन या केमिकल डिस देखो साइटोटॉक्सिक और एक्सपायर्ड ड्रग्स को हम किसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं येलो बैग में करते हैं ये आप शोर हो जाएं। अब इसको डिस्पोज किस तरीके से कर, करना है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो सही राइट आंसर right क्या होगा दोस्तों डंपिंग ऑटोक्लेव इंसिनरेशन केमिकल डिस यस राइट आंसर है सी इंसिनरेशन इंसिनरेशन देखो यहाँ लिखो लिखा हुआ है साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड ड्रग्स आर कलेक्टेड इन येलो बैग येलो बैग में कलेक्ट किए जाते हैं एंड देन डिस्पोज्ड बाई इंसिनरेशन क्लियर है आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेस्टेज आर ट्रीटेड बाई ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग निम्न में से दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से कैटेगरी के, के वेस्ट को हम ऑटोक्लेव और माइक्रोवेविंग करते हैं पहला ऑप्शन है प्लेसेंटा ऑर्गन्स और, और ब्लड बैग क्या आप इनको ऑटोक्लेव करोगे कोई कोई सही नहीं लग रहा आपको भी ऑप्शन नेक्स्ट है सेकेंड है कैथेटर्स यूरिन बैग्स और ग्लव्स इसको करोगे नेक्स्ट थर्ड है एंटी न्यू और एक्सपायर्ड ड्रग्स वही साइटोटॉक्सिक द्रक ड्रग है ये भी एंटी न्यू नेक्स्ट फोर्थ है कल्चर प्लेट्स लाइट्स एंड ट्यूब्स तो कौन से ऑप्शन आपका सही आंसर है सही से इसको डिटेट करना है आपको एग्जाम में यस राइट आंसर है बी कैथेटर्स यूरिन बैग्स एंड ग्लव्स इनको आप ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं बाकी अदर्स को नहीं करना है क्लियर है नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन वाइल्ड वर्किंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन द लेबर वार्ड आप लेबर वार्ड में काम कर रहे हैं एक नर्सिंग ऑफिसर हैं वेयर वुड यू डिस्पोज आप प्लेसेंटा को डिलीवरी के समय डिलीवरी के बाद में कहाँ डिस्पोज़ करोगे जैसे ही थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ख़त्म होती है उसके बाद फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो जाती है जो टू हावर्स होते हैं वो फोर्थ स्टेज लेबर के हो जाते हैं और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आपका प्लेसेंटा क्या होता है डिलीवरी होता है तो उसको किस में आप डिस्पोज करोगे रेड बैग ब्लू बैग येलो बैग या फिर ब्लैक बैग <coughs> यस राइट आंसर है सी येलो बैग येलो बैग में क्या करना है आपको डिस्पोज करना है किसको प्लेसेंटा को आफ्टर डिलीवरी क्लियर है और ये क्वेश्चन भी आपके नोट से 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों नोट सेट 2022 के अंदर बी से कम से कम तीन से चार दोनों शिफ्ट को मिला के तीन से चार क्वेश्चन आए थे तो आप बी श्योर रहें इस क्लास को अच्छे से अटेंड करें नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई हीट सिस्टम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हाई हीट सिस्टम नहीं है ये पूछ रहा है नोट इसको याद रखो अच्छे से इसमें देखो कि हाई हीट सिस्टम कौन सा नहीं है कहने का मतलब है चारों ऑप्शन में से एक लो हीट सिस्टम का मेथड है उसको आपको पहचानना है पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लेविंग सेकेंड है इंसनेरेशन थर्ड इज माइक्रोवे एंड फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा पायरोलाइसिस यस राइट आंसर है सी माइक्रोवेविंग माइक्रोवेविंग में क्या होता है लो हीट सिस्टम यूज़ किया जाता है जबकि आपका हाइड्रोक्लेविंग इंसिनरेशन और प्लाज्मा पायरोलाइसिस इन सभी के अंदर हाई हीट यूज़ की जाती है नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पोजल मेथड इज नॉट एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कि डिस्पोजेबल डिस्पोजल करने का मेथड नहीं है अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा डिस्पोजल का मेथड नहीं है ये पूछ रहा है आप डिस्पोजल ऑफ डेड फीटस ऑफ ट्वेंटी वन वीक इन येलो बैग क्या आप फीटस को जो ट्वेंटी वन वीक का है डेड फीटस उसको येलो बैग में डालोगे बाद में डीप बुरल कर दोगे रूरल एरिया में सेकेंड है प्री ट्रीटमेंट ऑफ लेबोरेटरी कल्चर्स विद नॉन क्लोरिनेटेड डिसइंफेक्टेंट थर्ड वन इज डिस्पोज डिस्पोजेबल ऑफ ग्लास एम्पुल विथ साइटोटॉक्सिक ड्रग थ्रू इंसिनरेशन क्या आप ग्लास एम्पुल्स को इंसिनरेट करोगे एंड फोर्थ वन इज डिस्पोजेबल ऑफ रेडियो लॉजिकल वेस्ट बाय डी ब्यूरोल आपको सही पहचानना है यस राइट आंसर है डी इसमें डिस्पोजेबल ऑफ रेडियोलॉजिकल वेस्ट बाय डी ब्यूरल ये नहीं करना है आपको ये मेथड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं है डिस्पोजेबल मेथड के अंदर नेक्स्ट है सेवन्थ नंबर आल ऑफ दी फॉलोइंग आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट दैट कैन बी इंसिनरेटेड एक्सेप्ट इन चारों में से आपको पहचानना है आल ऑफ दी फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टेज दैट कैन बी इंसिनरेटेड जिनको हम इंसिनरेट कर सकते हैं एक को नहीं करना है कम्बशेबल मैटर मोर देन सिक्सटी लो हीट वॉल्यूम नॉन कम्बशेबल फाइन लेस देन ट्वेंटी परसेंट नॉन कम्बस्टिबल सोलिड मोर देन फाइव परसेंट यस राइट आंसर है डी नॉन कम्बस्टि कम्बस्टिबल सॉलिड्स मोर देन फाइव परसेंट ये जिन वेस्ट को अपन इंसनेट करते हैं उन वेस्ट का ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कौन सा फोर्थ वाला बाकी तीनों के तीनों क्या है जिनको हम इंसनेट कर सकते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड है नेक्स्ट बात करेंगे एट नंबर क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट येल्लो वेस्ट डिस्पोजल बैग येल्लो वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट जो बैग्स होते हैं येल्लो येल्लो वेस्ट के लिए उनके रिगार्डिंग ट्रू हैं कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं पहला है दे आर मेड फ्रॉम नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक मटेरियल यस हमने ये पढ़ा है केमिकल लिक्विड वेस्ट इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल सही है मेटेलिक बॉडी इम्प्लान्ट इसको इसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं क्या नहीं ये हमने नहीं पढ़ा नेक्स्ट पोलिविलेन क्लोराइड ग्लव्स आर इन इट क्या ग्लव्स इसके अंदर डिस्कार्ड कर सकते हैं हम येलो के अंदर इसमें येलो पूछा है नहीं कर सकते हैं एनाटोमिकल वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो वन टू फाइव या फिर टू थ्री फोर राइट आंसर आपको करना है देखो एनाटोमिकल वेस्ट इज कलेक्ट करना है पर आगे क्या लिखा है एंड सेंड फॉर केमिकल ट्रीटमेंट हम केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं एनाटोमिकल वेस्ट को डायरेक्ट हम इंसिनरेट कर देते हैं कोई किसी भी प्रकार का प्री ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो फिफ्थ भी क्या हो गया रोंग हो गया और ये फोर्थ भी रॉन्ग हो गया थर्ड भी क्या है रोंग हो गया राइट right आंसर इसके अंदर जाएगा फर्स्ट और सेकेंड के किस में जाएगा येल्लो में क्लियर है तो करेक्ट ऑप्शन है ए करेक्ट ऑप्शन है ए आगे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन यू आर आस्क टू कैथेटराइज इन हेपेटाइटिस बी एंटीजन पॉजिटिव मेन बिफोर हर्निया सर्जरी हर्निया सर्जरी से पहले आप क्या कर रहे हैं कैथेटराइज कर रहे हैं ठीक है एक फोलेज कैथेटर आप डाल रहे हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग टू बी एम मैनेजमेंट रूल्स वेयर यू डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक कवर ऑफ कैथेटर आपने कैथेटर निकाला है प्लास्टिक कवर के अंदर से तो उस प्लास्टिक कवर को किस में डालोगे आप कि किस के कौन से किसके अंदर डिस्पोज करोगे कौन से बैग में येलो बैग ब्लू बैग रेड बैग और ब्लैक बैग देखो इसमें कैथेटर को किस में डिस्पोज करना है ये नहीं कह रहा कैथेटर उसने निकाला है और जो प्लास्टिक कवर है ठीक है उसको किस में डिस्पोज करना है क्योंकि वो कैथेटर को लगाएगा पेशेंट के उसको थोड़ी अभी डिस्पोज करेगा डिस्पोज तो बाद में करेगा पहले अब इस प्लास्टिक कवर को उसको डिस्पोज करना है तो प्लास्टिक कवर किस में जाते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर काउंट होता है ये बी के अंदर नहीं आते हैं तो राइट आंसर आएगा डी ब्लैक बैग और यदि कैथेटर का यदि ये पूछता तो राइट आंसर क्या जाता रेड जाता क्लियर है नेक्स्ट टेंथ नंबर क्वेश्चन एन एच आई वी पॉजिटिव मेन है ब्रो टू यू फॉलोइंग एन एक्सीडेंट एक्सीडेंट के बाद में आपके पास आया है एच पॉजिटिव मेन का एक्सीडेंट हुआ है हाउ वुड यू डिस्कार्ड हिज ब्लड सोक्ड ड्रेसिंग मटीरियल कि इसका जो ब्लड से जो सनी हुई जो इसकी ड्रेसिंग है उसको कैसे आप डिस्कार्ड करोगे उसको ए वन परसेंट हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में करके उसको इंसिनेट कर दोगे फाइव परसेंट हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में उसको डिप करके फिर आप इसको इंसिनेट करोगे या पुट ड्रेसिंग मटेरियल डायरेक्टली इन 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 अप्रोप्रिएट बेग एंड सेट फॉर इंसनेरेशन या फिर इसको डायरेक्टली आप इस इसके जिस भी इस बैग में डालना है उसमें आप उसको डिस्पोज करके उसको इंसनेर के लिए भेज देंगे या फिर टेन परसेंट नॉन क्लोरिनेटेड केमिकल ऑन ड्रेसिंग मटेरियल एंड सेंड फॉर इंसिनरेशन यदि आपने क्लास वॉच की है तो आप श्योरली आंसर दे पाएंगे यस राइट आंसर है सी इस कंडीशन में क्या करना है आपको इस ड्रेसिंग मटेरियल को डायरेक्टली येलो बैग में पुट करना है और इंसिनरेट के लिए भेज देना है क्लियर है नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ दी फॉलोइंग डिस्पोजल मेथड्स यूज हाई टेम्परेचर एंड ड्राई ऑक्सीडेशन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेथड डिस्पोजेबल का कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है और ड्राई ऑक्सीडेशन पे वह कार्य करता है आपको पहचानना है पहला ऑप्शन है माइक्रोवेविंग सेकेंड वन इज ऑटोक्लेविंग थर्ड वन इज इंसिनरेशन फोर्थ वन इज़ हाइड्रोक्लेविंग यस माय डियर राइट आंसर इज सी इंसिनरेशन इंसिनरेशन में 800 से 1100 1200 तक क्या किया जाता है टेम्परेचर यूज किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है इंसिनरेट किया जाता है नेक्स्ट बात करेंगे ट्वेल्थ नंबर एट ए वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जहाँ पे वेस्ट को ट्रीट कर किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स वेस्ट वाज मिक्स्ड विद सीमेंट फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट होता है उसको सीमेंट के साथ लाइम के साथ चूने के साथ और वाटर के साथ क्या किया जा रहा है मिक्स किया जाता है बिफोर डिस्पोजेबल इसको डिस्पोज करने से पहले वाट इज दिस मैथड इस मैथड को आप क्या बोलोगे ठीक है फार्मास्यूटिकल वेस्ट को सीमेंट और चूने के साथ उसको पानी के साथ घोल मिला के उसकी टॉक्सिसिटी को कम किया जा रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इस मेथड को आप क्या कहेंगे पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लेविंग सेकेंड वन इज ग्राउंडिंग थर्ड वन इज इनर्टाइज़ेशन एंड फोर्थ वन इज कॉम्पैक्टिंग यस माय डियर राइट आंसर यदि आपने क्लास वॉच की है तो श्योरली आप इसका आंसर जरूर कर पाओगे करेक्ट आंसर है सी इनर्टाइजेशन नेक्स्ट थर्टी नंबर क्वेश्चन इन ए ट्रीटमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट बी यूज टू वेरीफाई द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट डन बाई इंसिनरेशन कि इंसिनरेशन नहीं होता यूज़ ये पूछ रहा है कौन सा इसमें से वेरीफाई करने के काम नहीं आता है बायोमेडिकल वेस्ट को जिनको हम इंसिनरेट करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू वेरीफाई द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट डन बाई इनिसनरेशन बेसिलस एट्रोफस सेकेंड है थर्ड वन इज जियो बेसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस एंड फोर्थ वन इज बेसिलसुरजीनियसिस इजरेनियस यंसर है डी बेसिलस थे इजरेनियस ये यूज में नहीं होता है इसके अंदर जब जहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए इन तीनों का यूज़ किया जाता है बेसिलस एट्रोफस सप्टिल्स और स्टीरियोथर्मोफिलस क्लियर है इन एजेंट्स का यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए नेक्स्ट है फोर्टीन नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन यूज इन हॉट एयर ओवन हॉट एयर ओवन के अंदर हम टेम्परेचर और ड्यूरेशन को यूज़ करते हैं तो उसमें कितना टेम्परेचर और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट टेम्परेचर और करेक्ट ड्यूरेशन उसका आपको पहचानना है पहला ऑप्शन है वन डिग्री सेल्सियस थर्टी मिनट सेकेंड है वन डिग्री सेल्सियस सिक्सटी मिनट मतलब वन आवर वन डिग्री वन एट्टी डिग्री सेल्सियस थर्टी मिनट हाफ और वन नाइनटी डिग्री सेल्सियस फिफ्टीन मिनट आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना है ड्यूरेशन और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यस राइट आंसर है सी वन एटी डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स यह हॉट एयर ओ उनका इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है बाकी आप सब देख लीजिए थर्टी मिनट्स करना है तो एट्टी वन एट्टी डिग्री सेल्सियस पे रखना होगा यदि 60 मिनट्स के लिए तो 170 डिग्री और टू आवर्स आपके पास ज़्यादा समय है तो 160 डिग्री सेल्सियस क्लियर है आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन करेक्टली मैच द फॉलोइंग लोगोज इन तीनों लोगोज के लिए करेक्ट मैच आपको पहचानना है पहला ऑप्शन यहाँ पे साइटोटॉक्सिक्स रेडिएशन और बायो जार्ड. आपके सामने तीन फोटो हैं एक साइटोटॉक्सिक का है एक रेडिएशन का है ठीक है एक बायो हेजार्ट का क्लियर है इनमें से कौन सा है आपको अभी नहीं पता है अब देख लीजिए साइटोटॉक्सिक रेडिएशन बायो हेजार्ट तीन आपके सामने ऑप्शन दे दिए हैं अब ये क्वेश्चन इधर पूछ रहा है ऑप्शन यहां पे है आपके चार जहां आपको करेक्ट करना है फर्स्ट सी क्या पहला बायो हेजार्ट का है यहां पे लिख रहा है सी फर्स्ट सी सेकेंड बी सेकेंड यहाँ देखो रेडिएशन लिखा है क्या सेकेंड जो ये सेकेंड है ये बी है रेडिएशन का है थर्ड है ए साइटोटॉक्सिक तो ये थर्ड ऑप्शन है ये जो थर्ड है ये ये क्या है साइटोटॉक्सिक का है सेकेंड ऑप्शन है इसी तरह से फर्स्ट ऑप्शन क्या सी वाला है बायो का क्या ये बायो का है सेकेंड का ए एक का मतलब साइटोटॉक्सिक क्या ये सेकेंड ये जो है ये साइटोटॉक्सिक का है थर्ड का है बी क्या ये रेडिएशन का है दोस्तों जी हाँ करेक्ट आंसर है इसका बी सही पहचाना आपने करेक्ट आंसर है बी ये क्या है किसका है बायो का है ये ऑप्शन ये ऑप्शन आपका साइटोटॉक्सिक का है और रेडिएशन का लास्ट वाला थ्री नंबर का क्लियर है आगे बात करते हैं सिक्सटी नंबर क्वेश्चन यू आर वर्किंग इन ए कोविड वार्ड आप कोविड वार्ड में काम करते हैं आफ्टर डोफिंग डोफिंग का मतलब आपने पीपी कट को रिमूव कर दिया है यू वेयर विल यू डिस्पोज ऑफ द प्लास्टिक कवर ऑल आप प्लास्टिक कवर को किस में डिस्पोज करोगे रेड बिन में ब्लैक बिग में येलो बिन में ब्लू बिन बीन में यस राइट आंसर है ए रेड बीन में जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं थिक प्लास्टिक होती हैं कवर उनको किस में डिस्पोज करना होता है रेड बीन में क्लियर है आगे बात करेंगे ए स्टूडेंट एक स्टूडेंट है वो पूछ रहा है ए स्टूडेंट नर्स आस्क फॉर योर एडवाइस रिगार्डिंग द हो रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ नीडल फ्रॉम द नीडल टिप कटर आफ्टर वैक्सीन ड्राइव कि वैक्सीन होने के बाद में कहाँ पे इसको डिस्कार्ड करना है किसको Needles को नीडल्स को फ्रॉम द नीडल टिप कटर ठीक है बताइए आपको पहचानना है विच ऑफ द फॉलोइंग बीन विल यू एडवाइस टू डिस्कार्ड दैम किस में डिस्कार्ड करोगे यस राइट आंसर है सी जो शार्प वेस्ट है उसको किस में किया जाता है डिस्कार्ड दोस्तों तो नीडल टिप कट रहा है जिसमें आप ऐसी ऐसी सिरिंज जिसमें फिक्स होता है ठीक है ऐसी सीरेंज जिसमें फिक्स होता है नीडल फिर उस वो नीडल है उसको आपने कट कर दिया है तो नीडल को किस में डिस्कार्ड करते हैं ये एक शार्प है ठीक है आपको पंचर कर सकता है कट कर सकता है तो ऐसे वेस्ट को खा डिस्पोज किया जाता है सी में वाइट नेक्स्ट एटीन नंबर केमिकल वेस्ट इज डिस्पोज इन केमिकल वेस्ट को किस में डिस्पोज करेंगे पहला ऑप्शन है येलो सेकंड है वाइट थर्ड है रेड फोर्थ है ग्रीन यस राइट आंसर है ए येलो केमिकल वेस्ट को कहाँ डिस्पोज किया जाता है येलो कैटेगरी में डिस्पोज किया जाता है नेक्स्ट बात करेंगे नाइनटीन नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसिनरेटेड इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसे हम ए, क्या कर सकते हैं इंसिनरेट कर सकते हैं जला सकते हैं डिस्पोजेबल मेथड कौन सा यूज़ कर सकते हैं उसके लिए इंसिनरेट कर सकते हैं राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन है ह्यूमन वेस्ट सेकंड है रेडियोग्राफिक वेस्ट थर्ड है पीवीसी वी क्लोराइड एंड फोर्थ है प्रेसराइज गैस कंटेनर यस राइट आंसर है ए ह्यूमन वेस्ट ह्यूमन वेस्ट को क्या कर करना होता है इंसिनरेट करना होता है एज इसका क्या डिस्पोजेबल मेथड है इंसिनरेटेड नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन इंसिनरेशन इज इंसिनरेशन कैसा प्रोसेस है पहला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर रिडक्शन प्रोसेस सेकंड है हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन प्रोसेस थर्ड वन इज लो टेम्परेचर रिडक्शन प्रोसेस फोर्थ है लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोस्तों एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन को रीड करने के बाद में आफ्टर दैट आपको क्या करना है चारों ऑप्शन को अच्छे से केयरफुली रीड करना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आपने हाई टेम्परेचर पढ़ा और हाई टेम्परेचर पढ़ के आप ए आंसर करके आ जाओगे क्योंकि आपको पता है कि इंस में हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है बट लास्ट में भी आपको पढ़ लेना है दोस्तों इसलिए पूरा क्वेश्चन आपको जरूर से ज़रूर रीड करना है इतना समय आपको जरूर दिया जाता है एग्जाम में कि आप क्वेश्चन को पढ़ पाएं तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में आप कन्फ्यूज हो जाओगे देखो दोस्तों इंसिनरेशन कैसा मेथड है हाई टेम्परेचर और ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो राइट right आंसर रहेगा बी नेक्स्ट बात करेंगे इंसिनरेशन इज नॉट डन फॉर किस चीज़ के लिए इंसिनरेशन नहीं करेंगे ये आपसे पूछ रहा है पहला ऑप्शन है साइटोटॉक्सिक ड्रग सेकंड है वेस्ट शार्प शार्प वेस्ट और ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट तो इंसिनरेशन किसके लिए नहीं करते हैं तो वेस्ट के लिए और साइटोटॉक्सिक ड्रग को क्या नहीं करते हैं इंसिनरेट नहीं करते हैं तो राइट आंसर क्या रहेगा डी बोथ ए एंड बी आएगा इसके अंदर कभी भी साइटोटॉक्सिक ड्रग ऐसी ड्रग जो साइटोटॉक्सिक्स होती हैं उनको नहीं करना है जैसे कि कीमोथेरेपिटिक ड्रग्स जो सेल को नुकसान पहुंचाए ऐसी साइटोटॉक्सिक ड्रग को इंसनेट नहीं करते हैं और वेस्ट शार्प वेस्ट को भी इंसनेट नहीं कर सकते नहीं करते हैं क्योंकि इनसे जो फ्यूम्स निकलेगा वो हमारे लिए नुकसानदायक होंगे नेक्स्ट है ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन ट्रू अबाउट इंसनेट इज आर कि इंसनेरेटर से संबंधित कौन सी बात सही है इनमें से रेड बैग कैन भी इंसनेटेड क्या रेड बैग के अंदर जो मटेरियल होता है उसे हम इंसनेट कर सकते हैं क्या इंसनेटर के लिए नो प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड जब भी किसी चीज़ को इंसनेट करना है तो उसे प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है येलो बैग को क्या इंसनेट करना होता है सार्प वेस्ट नॉट बी इंसनेटेड इस राइट आंसर है बी नो प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड जो भी इंसनेटर्स होते हैं जिसको भी आप इंसनेट करते हैं ऐसे मटेरियल उनको प्री ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है ठीक है नेक्स्ट है ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजेबल ऑफ मरकरी कि मरकरी को डिस्पोज करने के लिए कौन सा सेफ मेथड है पहला है बरी अंडर अर्थ सेकेंड है कलेक्ट केयरफुली एंड री थर्ड वन इज ऑटोक्लेविंग एंड डिस्कार्ड मेथड एंड फोर्थ वन इज़ ट्रीट विद केमिकल मरकरी को डिस्पोज करना है यस राइट आंसर है बी कलेक्ट केयरफुली एंड री इसको केयरफुली कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको री किया जाता है नेक्स्ट बात करेंगे ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन येलो प्लास्टिक बैग कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट आर ट्रीटेड बाई कि येलो प्लास्टिक बैग के अंदर है उस एक बायोमेडिकल वेस्ट है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है पहला ऑप्शन है ऑटो क्लेविंग सेकेंड है इंसिनरेशन थर्ड वन इज माइक्रोवेविंग फोर्थ वन इज श्रेडिंग इस राइट आंसर है बी इंसिनरेटिंग ज़्यादातर किस तरह मेथड से किया जाता है इंसिनरेट किया जाता है कुछ अलग अलग इसमें कैटेगरीज uh, होती हैं येलो के अंदर भी येलो बी ए बी सी डी ई इस तरह से एच तक होती हैं तो इनमें से मोस्टली को क्या किया जाता है इंसिनरेट किया जाता है नेक्स्ट है ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन हॉस्पिटल ड्रेसिंग्स आर बेस्ट डिस्ट्रॉयड बाई कि जो हॉस्पिटल ड्रेसिंग्स होती हैं उनको कौन से मेथड से डिस्ट्रॉ किया जाता है यानी डिस्पोज किया जाता है पहला ऑप्शन है ब्यूरल सेकेंड है डंपिंग थर्ड वन इज बर्निंग बर्निंग मतलब इंसिनरेशन हो गया लास्ट डी है बॉइलिंग यस राइट आंसर है सी बर्निंग जो ड्रेसिंग्स होती हैं सोइल ड्रेसिंग होती है इनको क्या किया जाता है बर्न किया जाता है नेक्स्ट है ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज एलोंग विथ नाइट सॉइल इस मेथड को क्या कहा जाता है ऐसे वेस्ट को जिसको एक ऐसा वेस्ट जिसे हम नाइट सॉइल के साथ में क्या करते हैं डिस्पोज करते हैं नाइट सॉइल के साथ यदि डिस्पोज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका राइट आंसर जाएगा सी कम्पोस्टिंग इस मेथड को कम्पोस्टिंग कहते हैं क्या कहते हैं कंपोस्टिंग नेक्स्ट है composting. Next, देखो कंपोस्टिंग क्या होता है इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल मेटर डाउन अंडर बैक्टीरियल एक्शन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड मीनोर कंपोस्ट का मतलब होता है खाद ठीक है नाइट सॉइल का मतलब क्या होता है दोस्तों खाद जो होता है ठीक है ऐसी मिट्टी जो जैसे डंग हो गया उसके साथ में मिक्स करके डालेंगी तो वो जल्दी क्या हो जाएगा बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसे कहते हैं कंपोस्टिंग नेक्स्ट है ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग एक्सपायर्ड और साइटोटॉक्सिक ड्रग को किस तरह से आप डिस्पोज करोगे पहला ऑप्शन है सेपरेट लैंड डिस्पोजल फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड है म्यूनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल थर्ड वन इज ऑटोक्लेविंग फोर्थ वन इज केमिकल ट्रीटमेंट यस राइट आंसर है ए सेपरेट लैंड डिस्पोजल करना है आपको अलग से लैंडफिल के अंदर डिस्पो सेपरेट करना है डिस्पोजल मेथड अपनाना है सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल नेक्स्ट है इन हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अंदर नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्टेड इन जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है उस उसको किस में डिस्कार्ड करते हैं हॉस्पिटल के अंदर जैसे कि किसी भी चीज़ का कवर हो गया ठीक है आपने ए, सिरिंज सिरिंज को कवर में से निकाला तो उस कवर क्या है वो एक नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है पहला ऑप्शन है रेड कलर सेकेंड है ब्लू थर्ड वन इज़ ब्लैक फोर्थ वन इज येलो यस राइट आंसर है सी ब्लैक कलर बैग में आप क्या करोगे नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को डिस्पोज करोगे नेक्स्ट है ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज़ नॉट यूज कौन से कलर का प्लास्टिक बैग यूज नहीं करते हैं पहला है ग्रीन सेकेंड है येलो थर्ड है ब्लू एंड फोर्थ है, है रेड यस yes. हम ग्रीन यूज नहीं करते हैं ग्रीन ग्रीन म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए यूज़ किए करते हैं ठीक है हॉस्पिटल में यूज़ नहीं करते हैं ग्रीन में हम कैसा गीला कचरा डालते हैं और सूखा कचरा ब्लू में इस तरह से आपने पढ़ा होगा जब भी आप कहीं भी जाते हैं सिटी के अंदर तो वहाँ पे टू बीस आपको दिखेंगे ग्रीन और ब्लू क्लियर है वह म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए होते हैं नेक्स्ट है थर्टी नंबर आउटडेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर बेस्ट डिस्पोज बाई कि जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है वो आउटडेटेड एक्सपायरी हो चुकी हैं उनको किस तरह से करोगे पहला है डिस्पोजेबल इन म्यूनिसिपल वेस्ट सेकेंड है डिस्ट्रक्शन एंड डंपिंग इन सिक्योर्ड लैंडफील्ड थर्ड है स्टोर फॉर मंथस एंड देन ब्यूर एंड फोर्थ है ऑटोक्लेव यस राइट आंसर है बी सिक्योर्ड लैंड फील्ड के अंदर क्या करोगे उसको डंप करोगे डिस्ट्रक्शन करोगे नेक्स्ट है थर्टी वन नंबर क्वेश्चन देर एज देर इज ए हिस्ट्री ऑफ in a फोर year ओल्ड चाइल्ड swab was taken आपने swab लिया और सैन कल्चर के लिए भेज दिया द स्वाब मटेरियल शुड बी डिस्कार्ड इन तो अब इस स्वाब को आप किस में डिस्कार्ड करोगे ठीक है थ्रोट कल्चर आपने लिया है फेरेंजाइटिस हुआ है ठीक है ग्रूप ए बुटा हिमोलाइटिक स्टोकोकस इन्फेक्शन के लिए हम करते हैं थ्रोट कल्चर क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों रोमेटिक फीवर होता है ठीक है तो इसलिए आप स्वाप कल्चर स्वाप मटेरियल आप अब इसको किस में डिस्कार्ड करोगे स्वाप मटेरियल को पहला ऑप्शन है येलो बैग सेकंड है रेड बैग थर्ड है वाइट कंटेनर एंड फोर्थ है ब्लू बॉक्स यस राइट आंसर है ए येलो बैग नेक्स्ट बात करेंगे थर्टी टू नंबर क्वेश्चन ए ए ट्रोमा पेशेंट इज ब्रॉड टू एन एमरजेंसी इमरजेंसी में एक ट्रोमा पेशेंट आया है देर इज ए ब्लड स्पिल ऑन द फ्लोर और फ्लोर पे एकदम से ब्लड स्पिल हो चुका है विच डिस वुड यू यूज कौन सा डिसइनफेक्टेंट आप यूज करोगे पहला ऑप्शन है थाइलाइकोल सेकेंड है सोडियम हाइपोक्लोराइड थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर्थ है क्लोर ठीक है यस राइट आंसर है दोस्तों बी सोडियम हाइपोक्लोराइट सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है जब भी किसी भी तरह का किसी भी ब्लड स्पिल हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर या फिर कोई बेड शीट है वो ब्लड से हो जाती है उन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं हम सोडियम हाइपोक्लोराइड वन परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करना है क्लियर है और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एम्स के एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है रिपीटेड आज क्वेश्चन है नेक्स्ट बात करेंगे थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन कल्चर प्लेट इज डिस्पोज इन विच बी एम बेग क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल्चर बेग को किसके अंदर डिस्पोज करोगे कल्चर बेग को किसके अंदर करोगे फर्स्ट है वाइट कंटेनर सेकेंड है रेड बेग थर्ड है येलो बेग एंड फोर्थ है ब्लू बॉक्स यस राइट आंसर है सी येलो बेग के अंदर आप क्या करोगे कल्चर प्लेट कल्चर प्लेट किसके अंदर आती है बायोटेक्नोलॉजिकल एंड एंड माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट के अंदर आती है ठीक है जो आपकी एच कैटेगरी होती है येलो के अंदर एच तक होती है तो एच के अंदर क्या होती है माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट आता है नेक्स्ट थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन ट्रेनिंग इज गिवन टू एन एन एम वर्कर एक्जरी नर्सेस मिडवाइफ ठीक है एक्जरी नर्सेज मिडवाइफ एन एम जिसे कहते हैं नाउ यू हैव टू चेक हर एबिलिटी टू डू इम्युनाइजेशन यू आर नर्सिंग ऑफिसर सी इज हैविंग कॉटन लंच बॉक्स एंड सिरिंज नीडल आफ्टर इम्युनाइजेशन ऑफ चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सिरिंज विद नीडल इन ट्रांसल्यूंट विद वाइट कंटेनर यूज वाइल इन ट्रांसल्यूट वाइट कंटेनर कॉटन स्वाब इन येल्लो बेग फूड वेस्ट इन ब्लू बेग ठीक है क्या आप सिरिंज को पहला ऑप्शन है सिरिंज को आप क्या वाइट कंटेनर में डालोगे बिल्कुल गलत सिरिंज कैसा है शार्फ पेस्ट है गलत है या सही है बताइए विद नीडल विद नीडल देखो सिरिंज विद नीडल तो नीडल को आप अलग करोगे कटिंग से ठीक है फिर आप फिर आपको क्या किस्में करना है रेड में डालना है क्लियर है तो यहाँ पे सिरिंज विद नीडल है तो सिरिंज और नीडल दोनों को साथ में नहीं डालना है वाइट में नेक्स्ट ये भी गलत हो गया वाइल जो है यूज जो वाइल है वाइल क्या है ग्लास चीज़ है ग्लास को क्या हम वाइट में डालते हैं नहीं डालते हैं बिल्कुल भी ब्लू में डालते हैं नेक्स्ट है कॉटन सुवाब को येलो बैग में डालना है यस yes. ये कहीं ना कहीं ऑप्शन सही है क्योंकि इस कॉटन सुहाब एक सोइल्ड वेस्ट मटेरियल में आ जाएगा फूड वेस्ट को क्या हम ब्लू बॉक्स में डालेंगे नहीं इसको ब्लैक में डालना होता है क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस मटेरियल है फूड वेस्ट तो राइट right आंसर है सी कॉटन सुहाब इन येलो बैग नेक्स्ट थर्टी फाइव इनरटाइजेशन इज इनर किसे कहते हैं पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंबेबल वेस्ट टू इनऑर्गेनिक वेस्ट सेकेंड है बर्निंग बायोमेडिकल वेस्ट थर्ड है बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्टेड इन टू हार्मलेस वेस्ट एंड फोर्थ है टू अवॉइड वाटर कंटामिनेशन यस राइट आंसर है सी बायोमेडिकल वेस्ट को हार्मलेस हार्मलेस वेस्ट के अंदर कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को इनाटाइजेशन कहते हैं जिसके अंदर सीमेंट वाटर और लाइम को मिक्स किया जाता है ठीक है जिसकी वजह से वह जो वेस्ट है बायोमेडिकल वेस्ट जिसे हम नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देंगे वह नॉन टॉक्सिक कैसा हो जाएगा हार्मलेस हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे देखो इस तरह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ टॉक्सिक बी यदि कोई लार्ज मात्रा में टॉक्सिक बायोमेडिकल वेस्ट है उसके अंदर पंद्रह परसेंट सीमेंट पंद्रह परसेंट चूना यानी लाइम ठीक है पर सिक्सटी फाइव परसेंट बी और फाइव परसेंट वाटर इनको मिक्स कर देंगे तो नॉन टॉक्सिक के अंदर वो चेंज हो जाएगा क्लियर है एनर्टाइजेशन कहते हैं इसे दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा आइकन प्रेस करने से सबसे पहले आपको मिलेगा और एक लाइक का बटन है उसको जरूर से ज़रूर प्रेस करें अपने मित्रों को शेयर करें थैंक यू सो मच एवरीवन